नमस्कार, बीकेबी न्यूज के हिंदी बुलेटिन में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूं। आप सभी को बीकेबी न्यूज की ओर से स्वतंत्रता दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आज उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों किया गया ध्वजवंदन। उप मुख्यमंत्री ने सभी को स्वतंत्रता दिवस की दी शुभकामनाएं। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर निकाली गई बाइक रैली। आर्थिक दुर्बल घटकों में आने वाली 5 छात्राओं को की गई साइकिल वितरित। आज कामठी में स्वतंत्रता दिवस पर उत्साह के साथ किया गया ध्वजारोहण। अलग अलग महापुरुषों के वेशभूषा धारण कर शहर में निकाली गई रैली। अब खबरें विस्तार से। आज आयुक्त कार्यालय में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों ध्वजवंदन किया गया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। वहीं पुलिस आयुक्त मितेश कुमार ने भी सभी को शुभकामनाएं दी। उप मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश को प्रगत और बलशाली बनाने के स्वप्न को हम सबको पूरा करना है। महाराष्ट्र की सरकार अर्थात मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मिलकर सभी को एकत्र कर देश को विकसित करने का कार्य करेंगे। मजबूत भारत की नींव मजबूत महाराष्ट्र से तैयार की जाएगी, ऐसा भी उप मुख्यमंत्री ने इस वक्त कहा। भारतीय स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के निमित्त से सभी देशवासियों को मैं स्वतंत्रता दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हमारे इस स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री जी ने जो अपेक्षा व्यक्त की है कि हमारा अमृत काल शुरू है और इस अमृत काल में भारत को एक बलशाली और विकसित देश बनाना है और समावेशी विकास, सभी को साथ में लेकर विकास, इस प्रकार का जो मंत्र दिया है। महाराष्ट्र में भी हमारी सरकार मुख्यमंत्री एकनाथ राव जी शिंदे इनके नेतृत्व में समाज के सभी तबकों के लोगों को साथ में लेकर विकास की राह पर चलेगी। मजबूत भारत की नींव मजबूत महाराष्ट्र से हम तैयार करेंगे। मैं फिर एक बार सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और विशेष रूप से जो नाम और अनाम गुमनाम ऐसे जितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है सभी को आज के इस मौके पर मैं नमन करता हूँ। शहर परिचालन करके सर्व नागरिक स्वतंत्रता दिनानिमित्ताने हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। स्वतंत्रता दिनाच्या सर्व नागपूर शहरवासियांना आणि सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा। स्वतंत्रता शहर पुलिस यांच्या वतीने आज अभिमानाने
आमच्या 75वा स्वातंत्र्य दिन साजरा करत आहे. सर्वांना शुभेच्छा आणि सर्वांनी सुरक्षिततेनी आणि आनंदाने या सण साजरा करावे अशी आमची विनंती आहे. आजचा जो स्वातंत्र्य दिन आहे त्याचा 75वा भारताचा स्वातंत्र्य दिन अमृत महोत्सवी स्वातंत्र्य दिन त्याचा सर्व नागपूरकरांना अत्यंत मनपूर्वक शुभेच्छा आणि स्वातंत्र्य दिन चिराई हो ही ईश्वर चरणी. मी सर्व भारतवासियांना 75वा स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा देतो आणि सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. गोंदिया में भारतीय स्वतंत्रता का 75वां अमृत महोत्सव पर उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी राजवर्धन करपे इनके मार्गदर्शन में आरटीओ कार्यालय में भव्य तिरंगा रैली निकाली गई, जिसका शुभारंभ जिलाधिकारी कार्यालय के सामने जिलाधिकारी नैना गुंडे ने किया. इस अवसर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल पाटिल, पुलिस अधीक्षक विश्व पानसरे व उप प्रादेशिक अधिकारी करपे निवासी जिला अधिकारी जयराम देशपांडे आदि वरिष्ठ अधिकारी प्रमुखता से उपस्थित थे. इस रैली में विशेषतः वाजपेयी ड्राइविंग आधार महिला संगठन, भारत ड्राइविंग आनंद ताज सभी ड्राइविंग संगठन ने हिस्सा लिया. 2.5 लाख घरों में तिरंगा लहराया जाएगा तथा MD कॉलेज प्रभात फेरी मैराथन वृक्षारोपण तिरंगा यात्रा जगह जगह पर निकाली जा रही है. VKB न्यूज के लिए गोंदिया से सतीश पारधी की रिपोर्ट. सिंधु एजुकेशन सोसाइटी की ओर से आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया. इस अवसर पर फ्लैश मॉब का आयोजन किया गया था. इस फ्लैश मॉब में महात्मा गांधी जूनियर कॉलेज, लीलाराम बजाज सीनियर कॉलेज के छात्रों ने सहभाग लिया. छात्रों ने देशभक्ति पर आधारित गाने और नृत्य प्रस्तुत किया. इन सभी ने मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आजादी के अमृत महोत्सव योजना में अपना अपना सहभाग दर्शाया है. हमने यहाँ पे आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया है. आज हमने यहाँ पे फ्लैश मॉब किया है. महात्मा गांधी जूनियर कॉलेज के जो बच्चे हैं और हम सीनियर कॉलेज के साथ आए, लीलाराम बजाज सीनियर कॉलेज, कुबजन बजाज सीनियर कॉलेज, तो उनके बच्चे थे यहाँ पे जो परफॉर्म कर रहे थे. डांसेस हुई और बहुत ज़्यादा पेट्रियाटिक सॉन्ग्स. हमने सिर्फ अपने प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ अपना एक छोटा सा सपोर्ट दिया है यहाँ पर एक अच्छा सा आज़ादी का अमृत महोत्सव आयोजन करके. धन्यवाद. आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर शनिवार दिनांक 13 अगस्त को पुलिस भवन में आयोजित पुलिस प्रदर्शनी को राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भेंट दी. इस अवसर पर उन्होंने प्रदर्शनी में लगाए गए सभी स्टॉल्स को देखा, अपने भाषण से सभी को प्रोत्साहित किया. शनिवार को पुलिस भवन से बाइक रैली का आयोजन किया गया था, तो वहीं नागपुर ग्रामीण पुलिस की ओर से नागपुर ग्रामीण भागों के गाँव में क्षेत्रों में आने वाली आर्थिक दुर्बल घटकों में आने वाली 5 छात्राओं को उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों साइकिल वितरित की गई. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी माननीय उप मुख्यमंत्री साहेबांच्या हस्ते आज आम्ही प्रत्येक स्वरूपात 5 सायकल वाटप केले आहे. या मुली दुर्गम भागातील आहेत आणि त्यांचं शिक्षण थांबू नये, त्यांच्या शिक्षणापासून वंचित राहू नये अशा 5-6 किलोमीटरवरचे जे हायस्कूल आहे त्यांना जायला सोपं जावं या उद्देशाने गरीब घरातील आणि हुशार मुलींची आम्ही या ठिकाणी निवड केलेली आहे की जेणेकरून सायकलचा त्यांना उपयोग होईल आणि त्यांच्या चेहऱ्यावरचं हास्य सांगत होतं की अतिशय त्यांना आनंद झालेला आहे. असे एकूण 75 सायकल आम्ही अमृत महोत्सवाच्या निमित्ताने वाटप करत आहोत आणि अशा यामध्ये आणखी आमचा उद्देश आहे की जास्तीत जास्त मुलींपर्यंत आम्हाला यामध्ये पोहोचायचं. थँक्यू. खबरों के सिलसिले में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का. मिलते हैं ब्रेक के बाद. लव यू दीपिका. बाय. सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ. अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है. सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि. अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए. Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं. Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka Bank, Nagpur.
बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। सबका फिर से स्वागत है। आज सुबह 7 बजे हर घर तिरंगा अभियान अंतर्गत जिलाधिकारी आर विमला इनके निवास स्थान पर ध्वजवंदन किया गया। पिछले 3 दिनों से इस कार्यक्रम के अंतर्गत ध्वजवंदन किया जा रहा है। यवतमाल वाशिम जिले की सांसद भावना गवली पिछले 1.5 साल से निर्वाचन क्षेत्र को भेंट नहीं दे रही थी, लेकिन शनिवार 13 अगस्त को वो निर्वाचन क्षेत्र में भेंट देने जाने वाली थी। उनका विरोध करने के लिए शिवसेना महिला आघाड़ी कार्यकर्ता और शिवसैनिक बड़ी संख्या में दत्त चौक पर एकत्र हुए थे। इस मौके पर भावना गवली के खिलाफ बड़े पैमाने पर नारेबाजी की गई। वहीं भावना गवली की प्रतिमा को भी चप्पलों से मारा गया। शिव सैनिकों का आरोप है कि भावना गवली ने ईडी के डर से शिंदे समूह में प्रवेश किया। कुछ दिन पहले ईडी ने 100 करोड़ के भ्रष्टाचार मामले में भावना गवली को नोटिस दिया था। इस मामले में उनके करीबी रिश्तेदारों को भी गिरफ्तार किया गया था। तब से भावना गवली के बारे में कहा जाता है कि वो भूमिगत हो गई थी, लेकिन कहा जाता है कि शिंदे के ग्रुप में शामिल होने के बाद वो आगे आई। भावना गवली 2004 में पहली बार सांसद चुनी गई थी। बाद के सभी चुनाव उन्होंने जीते। ये उनका चौथा कार्यकाल है। वो लोकसभा में शिवसेना के प्रतिनिधि थी, लेकिन जब शिंदे समूह में शामिल हुए तो शिवसेना ने उन्हें इस पद से हटा दिया। आवाहन करत आहे यानंतर शिवसेना प्रमुख माननीय बाळासाहेब ठाकरेंचा फोटो त्यांच्या बॅनरवर दिसता कामा नये। जर याच्या समोर शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंचा फोटो त्यांनी वापरला तर त्यांचे बॅनर या शहरात लागू दिले जाणार नाही, उतरवल्या जातील। जर तुमच्या हिम्मत असेल तर तुमच्या बापाचे फोटो लावा। शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंच्या नावाचा उपयोग करू नका, फोटोचा उपयोग करू नका। शिवसेना यवतमाळ जिल्हा एक थांबवून घेणार नाही व अशी तुमची भडवेगिरी चालू देणार नाही, गद्दारी चालू देणार लावतात आणि यांना लाज वाटायला पाहिजे। गद्दारी करतात त्यांच्याच पक्षाची, म्हणजे शिवसेनेशी गद्दारी करून हे शिवसेना प्रमुखांना फोटो लावतात, त्यांना काही लाज शरम आहे? अशा लोकांना आम्ही धडा शिकवल्याशिवाय राहणार नाही। आणि आज आपण पाहता या फोटोवर शिवसेना प्रमुखांचा फोटो या रामखोरांनी लावला होता। आज शिवसेना प्रमुखांचा फोटो आम्ही आज इथे उतरवलेला आहे। या गद्दार लोकांना या बिलकुल शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा फोटो लावण्याचा अधिकार नाही आणि आम्ही हे कपवून घेणार नाही। यवतमाळ जिल्ह्यातली शिवसेना, जिल्ह्यातली महिला आघाडी, युवा सेना, आम्ही सर्व लोक आज जाहीर करतो सर्वांच्या साक्षीने। वीकेबी न्यूज के लिए यवतमाल से अजित महिंद्र की रिपोर्ट। कामठी नगर परिषद परिसर में नगर परिषद मुख्याधिकारी संदीप बोरकर के हाथों से ध्वजारोहण किया गया, तो वहीं उपजिला रुग्णालय में वैद्य के अधिकारी डॉक्टर नैना धुमाले के हाथों ध्वजारोहण किया गया, तो तहसील कार्यालय में तहसीलदार अक्षय पोयाम के हाथों झंडे को सलामी दी गई। तो वहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस समिति की ओर से नगर परिषद के मुख्याधिकारी संदीप बोरकर के द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले इनकी अध्यक्षता में कार्यक्रम संपन्न हुआ। तो वही स्कूली छात्राओं द्वारा अलग अलग महापुरुषों के वेशभूषा धारण कर शहर में रैली निकाली गई, तो इस वक्त छोटे बच्चों में बड़ा उत्साह का माहौल नजर आया। मुक्तिनगर में 12 अगस्त को पंचायत समिति की ओर से आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर सुबह 11 बजे उम्मीद अभियान की महिलाओं ने 75 फीट का तिरंगा झंडा तैयार किया और उसके रैली में महानायक की परेड कराई गई। साथ ही राष्ट्रमाता जिजाऊ माँ साहेब, लोकमाता अहिल्याबाई होलकर, ज्ञान ज्योति सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख, मुक्ता सालवे, झांसी की रानी, इस तरह के पहनावे किए गए और इस कार्यक्रम में विशेष रूप से महिलाओं ने भाग लिया।
उक्त जुलूस में सैकड़ों महिलाओं ने भाग लिया। उक्त जुलूस में मुक्ताई नगर पालिका एवं थाने के समस्त नगर सेवक एवं कर्मचारी एवं मुक्ताई नगर के पुलिस कर्मी एवं मुक्ताई नगर तहसील के कर्मचारी, मुक्ताई नगर पंचायत समिति के कर्मचारी, महिलाओं सहित सभी ने रैली में भाग लिया। उक्त जुलूस में तहसीलदार श्वेता संचेती, समूह विकास अधिकारी दीपाली कोतवाल, पुलिस निरीक्षक शंकर शेलके, मुख्य अश्विनी गायकवाड़, पीआई प्रदीप शिवाले, पीआई राहुल बोरकर, पीआई प्रवीण तलवी, ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल मोजेस पवार ने भाग लिया और ग्राम सुरक्षा बल द्वारा महिलाओं के लिए चाय और पानी की व्यवस्था की गई। ग्राम सुरक्षा बल के दिनेश कदम, हकीम चौधरी, मोहन मेधे, सचिन पाटिल ने सहयोग किया और तालुका मिशन प्रबंधक पवन सुरतकर, माधुरी भूरे, सीमा शिवाने, प्रिया वाडेकर और सभी उम्मीद क्रेडर ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। भारतीय स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में लोगों के मन में स्वतंत्रता संग्राम की स्मृति को जीवित रखने के उद्देश्य से क्रांतिकारी स्वतंत्रता में हुई विभिन्न घटनाओं को याद करने के लिए और साथ ही स्वतंत्रता की चिंगारी को जलाने और देशभक्ति की भावना को हमेशा जीवित रखने के लिए स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के तहत सुबह 6 बजे आष्टी पुलिस स्टेशन के तहत 21 किलोमीटर दौड़ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रन ऑफ इंडिपेंडेंस मौजा कौंसारी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर मुख्य चौक आष्टी में दौड़ का समापन किया गया। उक्त प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागियों में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को शील्ड एवं प्रमाण पत्र तथा सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र एवं बुके देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन गढ़चिरौली के पुलिस अधीक्षक अंकित गोयल, अपर पुलिस अधीक्षक गढ़चिरौली सोमय मुंडे, अपर पुलिस अधीक्षक गढ़चिरौली समीर शेख, अपर पुलिस अधीक्षक अहेरी अनूप तारे और उप पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में किया गया। इस अमृत महोत्सव पर 21 किलोमीटर दौड़ कार्यक्रम में थाना आष्टी के अधिकारियों एवं प्रवर्तकों तथा मौजा आष्टी क्षेत्र के 30 से 50 प्रतियोगियों एवं पुलिस अधीक्षक गढ़चिरौली के अधीन भाग लिया। कार्यक्रम में लगभग 60 से 70 नागरिकों ने भाग लिया। तो वीकेबी न्यूज के हिंदी बुलेटिन में अब बस इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज। नमस्कार।